दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको स्प्लेंडर एक्सटेक के सर्विस रिमाइंडर को कैसे रिमूव करना है, सर्विस की जो लाइट होती है उसे आपको कैसे हटाना है। सिर्फ 10 सेकंड में मैं आपको सर्विस रिमाइंडर को बंद करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। दोस्तों सर्विस रिमाइंडर को रिमूव करने के लिए इसके मीटर में यहां मोड बटन दिया गया है। दोस्तों सर्विस रिमाइंडर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको चाबी स्विच को ऑफ कर देना है, उसके बाद आपको मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करना है करीब 10 सेकंड के लिए। आपको इसे दबाए रखना जब तक सर्विस रिमाइंडर पूरी तरह से बंद ना हो जाए। करीब 10 सेकंड के बाद आपको चाबी स्विच को ऑन कर देना है। कुछ ही सेकंड में सर्विस रिमाइंडर बंद हो जाएगा। तो गाइज आप देख सकते हो सर्विस रिमाइंडर बंद हो चुका है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गुड बाय।